सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को बताया दोस्त राजस्थान के सीएम, बोले हमारे बीच दुश्मनी नहीं। पीएम मोदी करेंगे अमेरिका का दौरा, राष्ट्रपति बाइडेन से डिनर पर कई मुद्दों पर हो सकती है बात। कर्नाटक एग्जिट पोल पर सीएम मुंबई, बोले 13 मई का है इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। सोनिया गांधी ने नहीं दिया था कर्नाटक की संप्रभुता वाला बयान, कांग्रेस ने ट्वीट को लेकर मानी गलती। कर्नाटक में करीब 70% मतदान, 2665 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में बंद हो चुका है, 13 मई को मतगणना होगी। गोल्डन टेंपल के पास 5 दिन में तीसरा धमाका, 5 अरेस्ट, इनके पास 8 बम मिले। पंजाब पुलिस का दावा, इनका मकसद शांति भंग करना था। पाकिस्तान में अराजकता, गिरफ्तारी ने इमरान को अब तक का सबसे पॉपुलर लीडर बना दिया है। गिरफ्तार होने वाले 7वें प्रधानमंत्री बने इमरान खान। कर्नाटक में 10 एग्जिट पोल, 4 में से कांग्रेस को बहुमत है, 1 में भाजपा सरकार, 5 में हंग असेंबली, जेडीएस किंग मेकर। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, आईएल एंड एफएम मामले में होनी है पूछताछ। विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का शिकंजा, इंटरपोल ने जारी किया ब्लू नोटिस, आतंकवादी हमलों से जुड़ा है मामला। हुआ मौका तूफान, दिल्ली पर छाए रहेंगे काले बादल, कई राज्यों में बारिश की संभावना। डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो बंद कर दे अस्पताल, केरल हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस को लगाई फटकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई के मुद्दे पर जनता के साथ, बोली कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई जो है उच्च स्तर पर रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने फीस बढ़ाई, भारतीयों को खर्च करने होंगे 1.85 लाख रुपए, घास के नुकसान के लिए देने होंगे 24,000। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा खिलाड़ियों और ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करवाएं, जो गलत होगा उसे फांसी दी जाए, कोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेट रिपोर्ट। अलीगढ़ में मतदान करने आई महिला हुई बेहोश, तेज गर्मी की वजह से नाक से आया खून, वोटरों में मचा हड़कंप। बाराबंकी में निष्पक्ष तरीके से चल रहा था मतदान, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम एसपी अलर्ट, निर्भय होकर मतदान करने के लिए अपील की गई। कानपुर में काकादेव के मतदान केंद्र में पकड़ा गया एजेंट, मतदाता पर वोट डालने का बना रहा था दबाव। गाजियाबाद के लोनी में फर्जी मतदान को लेकर भिड़ंत, विधायक और प्रत्याशी में हुई नोकझोंक।
कानपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदाताओं से की वोट करने की अपील। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं आशनी विकास अवस्थी। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान का बड़ा आरोप, पुलिस इंचार्ज पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया गया। पीलीभीत में मतदान स्थल पर दिखी लापरवाह, बुजुर्ग वोटर्स के लिए नहीं है कोई व्यवस्था, जैसे तैसे बुजुर्ग अपना मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। आगरा के टोंकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत, चार घायल, स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने चपेट में लिया। कानपुर में लोहा कारोबारी के बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, लूट के दौरान बदमाशों ने मारी थी कारोबारी को गोली, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज की रिपोर्ट। कानपुर में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने बूथ पर जाकर डाला वोट, अपने बेटे के साथ वोट डालने के लिए पहुंची मेयर प्रत्याशी। मिर्जापुर में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डाला वोट, पंडित गुप्ता राम इंटर कॉलेज में मतदान किया। अनुप्रिया पटेल ने जनता से 100% वोटिंग की अपील की है। लखनऊ में टीम दे केरला स्टोरी ने सीएम योगी से मुलाकात की, फिल्म के निर्माता निर्देशक और अभिनेत्री पहुंचे टीम में, सीएम योगी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट किया। गाजियाबाद में फ्री रिक्शा सेवा, लाचार देख जनता में डलवाए जा रहे हैं वोट, साहिबाबाद के वार्ड नंबर 64 के गरिमा गार्डन में दी जा रही है फ्री रिक्शा सेवा। अलीगढ़ में शेल्टर होम वार्ड नंबर 72 पर गड़बड़ी आई सामने, अधिकारियों ने फर्जी वोट डालने का लगाया आरोप, अलीगढ़ के थाना कोतवाली के क्षेत्र भोजपुरा का ये मामला है। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, एसडीएम और सीओ शिकारपुर लगातार मतदान केंद्रों की कर रहे मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। समाजवादी पार्टी का ट्वीट, कन्नौज के भाजपा सांसद पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप, भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और उनके साथियों पर लगाया गया आरोप। अलीगढ़ में मतदान करने आई महिला हुई बेहोश, देशकर्मी की वजह से नाक से आया खून, स्थानीय लोगों ने महिला को संभाला। औरैया में बीजेपी के बस्ते पर बैनर पोस्टर फाड़ने पर गुस्साए कार्यकर्ता, बीजेपी की सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया के सामने हुई बहस, बैनर फाड़ने वाला अपने आप को चुनल। बाराबंकी में चुनाव आयोग की अव्यवस्थाएं सामने आई है, डिग्री कॉलेज रामनगर से अव्यवस्था की तस्वीर आई सामने, विकलांगों के लिए नहीं की गई कोई व्यवस्था। बाराबंकी में निष्पक्ष तरीके से चल रहा है मतदान, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी अलर्ट, डीएम अविनाश एसपी दिनेश सिंह ने निरीक्षण किया। बुलंदशहर में फर्जी वोट करने पहुंचे 100 से अधिक वोटर गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड समेत फर्जी दस्तावेजों के जरिए करने पहुंचे थे फर्जी मतदान, पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए वोटर्स। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे अभद्रता करने का आरोप, सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ने लगाया अभद्रता करने का आरोप, फूट फूट कर रोती नजर आई सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा। गाजियाबाद में फर्जी मतदान को लेकर भिड़ंत, लोनी विधायक और बसपा प्रत्याशी आपस में भिड़े, प्रशासन से कहा सख्त हो जाएगी। कानपुर में पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी के पति को मारी गई गोली, गोली मारने के बाद मौके से फरार हुए हमलावर, घायल को कानपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदाताओं से की ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं आशनी विकास अवस्थी।
मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान का बड़ा आरोप, पुलिस इंचार्ज फतेलापुर पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप, विधायक ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता का हुआ उल्लंघन, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ के पास खड़ी दिखी गाड़ी, सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ने निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोप। बुलंदशहर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान हुए शुरू, सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीएम ने लोगों से की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। कानपुर में कैबिनेट मंत्री परिवार सहित मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, कैबिनेट मंत्री ने किदवई नगर के मतदान केंद्र पर दिया वोट, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने लोगों से अपील की। पीलीभीत में मतदान स्थल पर दिखी लापरवाही, बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं, जैसे तैसे अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे रहे बुजुर्ग वहां पर। प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मियों को लिए बड़ा तोहफा दिया, प्रति माह मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे सभी गांव, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद धामी सरकार ने प्लान तैयार किया। नैनीताल में परिवार में हुई मामूली कहासुनी को लेकर किशोर ने उठाया घातक कदम, खबर सुनते ही परिवार में मचा कोहराम। देहरादून में राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आशारोड़ी में बनी मस्जिद को भेजा नोटिस, मांगे साक्ष्य। देहरादून में पेपर लीक के बाद पहली सचिवालय रक्षक परीक्षा को यूके ट्रिपल एससी तैयार, डेढ़ महीने में 1213 पदों के लिए जारी किया गया परिणाम। देहरादून में भागीरथी के बाद नदियों में शुरू होगी राफ्टिंग, तकनीकी समिति की जांच रिपोर्ट पर जारी होंगे लाइसेंस। एक और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बंगलुरु के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की मिली डिग्री। लाख बिजली उपभोक्ताओं के से प्रतिभूत राशि की वसूली किश्तों में करेगा यूपीसीएल, 15 तक बड़ी सीमा। आयोग ने जारी किया पुलिस आरक्षित दूरसंचार भर्ती का परिणाम, जल्द घोषित होगी शारीरिक मापजोक परीक्षा तिथि। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार, केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9.54 लाख रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार से मांगा जवाब, 27 जून को अगली सुनवाई। प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था जल्द होगी खत्म, सीएम थामी ने दिए निर्देश, जिलों का कैलेंडर बनेगा। उत्तराखंड जंगल में चारा पत्ती लेने गई महिला को हाथी ने दौड़ाए, फिर सूंड से उठाकर पटका अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ में सुबह 5 बजे आए भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता, फिलहाल हानि की सूचना नहीं। देहरादून के शंकरपुर में गुलदार की टारगेट किलिंग ने शिकारियों को चौंकाया, जिसे मारा उसी पर 3 महीने पहले भी किया था हमला। पाकिस्तान में हालात बेकाबू, पंजाब और खैबर प्रांत में सेना तैनात, अब तक 8 लोगों की मौत।
सूडान में नहीं सुधरे हालात, दो आदिवासी समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प, 25 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान अरेस्ट, पूर्व पीएम के करीबियों की गिरफ्तारियां शुरू। टोंगा में आए शक्तिशाली भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता, सीरिया में भी इसका भारी असर देखने को मिला था। इमरान खान के समर्थकों ने पीएम शहबाज शरीफ के घर पर किया हमला, पुलिस बोली 500 से ज्यादा उपद्रवी थे। नॉर्वे में 80% नई कारें इलेक्ट्रिक, आशंका के उलट ने बेरोजगारी बढ़ी, न बिजली की किल्लत हुई, कार्बन भी 30% घटा। पाकिस्तान की एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने मांगा दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन लिंक, कहा मोदी की शिकायत करनी है, पुलिस का जवाब पाकिस्तान अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले, इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर समेत 12 की मौत, 40 एयरक्राफ्ट ने 3 जगहों पर अटैक किया है। अपनी ही पार्टी में है इमरान खान के दुश्मन पाक नेता फैसला बावड़ा का जहरीला बयान, कहा यहां जो हो रहा है उससे भारत को फायदा। पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों में फौज पीजीआई लीडर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी भी गिरफ्तार, इमरान 8 दिन के रिमांड पर हैं। टीटी के भरोसे नहीं रहेंगे वेटिंग टिकट वाले रेल यात्री, चार्ट बनने के बाद मोबाइल पर मिलेगी खाली बर्थ की जानकारी, बुकिंग भी कर सकेंगे। गूगल लाया पहला अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन पिक्सल फोल्ड और टैबलेट, लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 ओएस के साथ पिक्सल 7 ने भारत में लॉन्च, कीमत 40,000। बासठ हजार के पार निकला सेंसेक्स, 218 अंक चढ़कर 62,158 के स्तर पर खुला, इसके 30 शेयरों में से 25 में से बढ़त। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के लीटर के ऊपर है। इंटरनेशनल स्पैम कॉल से परेशान व्हाट्सएप यूजर्स, एक्सपर्ट्स बोले नंबर रिपोर्ट और ब्लॉक करें, 14C ने भी अलर्ट जारी किया। ट्विटर पर जल्द मिलेगी वीडियो ऑडियो कॉलिंग की सुविधा, सीईओ एलन मस्क ने कहा नंबर एक्सचेंज किए बिना बात कर सकेंगे यूजर्स। अडानी समूह को राहत, मॉरिशस के मंत्री ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा नहीं है देश में कोई शेल कंपनी। डीजल से चलने वाले फोर व्हीलर्स पर बैन को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय की सफाई, कहा सरकार ने सिफारिशों को नहीं किया स्वीकार। डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हुई टाटा अल्ट्रोज सीएनजी, यहां ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली देश की पहली कार, 210 लीटर का बूट स्पेस भी मिलेगा। व्हाट्सएप ने ट्रू कॉलर के साथ की पार्टनरशिप, यूजर्स को मिलेगी कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस, मई लास्ट तक रोल आउट होगा फीचर। पहलवानों का ब्लैक डे, काली पट्टी बांध के दिया धना, विनेश फोगाट का खुलासा, लोकसभा चुनाव में जबरदस्ती करवाया प्रचार, नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज। पाक भारत में वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, पीसीबी ने अब तक आईसीसी को नहीं दिया लिखित आश्वासन, पाकिस्तान सरकार देगी इजाजत।
आईपीएल के 5 महंगे खिलाड़ियों पर भारी पड़े सस्ते खिलाड़ी 16.25 करोड़ के बेन स्टोक्स 15 रन की ही बना सके हैं। 50 लाख के रहाणे ने ठोक दिए 266 रन। जोफ्रा आर्चर आईपीएल से बाहर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन होंगे इस रिप्लेसमेंट। आईपीएल में डेविड वार्नर के नाम जुड़ा चाह रिकॉर्ड, शीरो पर आउट होने वाले विदेशी खिलाड़ियों के क्लब में शामिल। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने रेस्टोरेंट में आरसीबी टीम को दी खास दावत, तस्वीरें हुई वायरल। लंबे समय बाद दिखे पुराने धोनी तो माही के फैंस हुए दीवाने, दोनों छक्के हुए वायरल। बतौर मैच फिनिशर आईपीएल 2023 में छाए रिंकू सिंह, एमएस धोनी समेत कई दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में किया बड़ा करिश्मा, इतिहास रचते हुए एक ही मैच में बनाए 3 रिकॉर्ड। सीएसके में आते ही चमक उठी फ्लॉप खिलाड़ी की किस्मत, टीम इंडिया में शिवम दुबे को मिला मौका। फैशन डिजाइनर संदीप खोसला की पार्टी में पति के साथ पहुंची स्वरा भास्कर, अभिषेक बच्चन के लुक ने खींचा ध्यान। धोनी ने ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को गिफ्ट किया सीएसके जर्सी, कार्तिकी गोजलाइंस के साथ दिया पूछ। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हुई द केला स्टोरी, सीएम खट्टर ने की घोषणा। सलमान शाहरुख के साथ रिश्ते पर नवाजुद्दीन ने किया खुलासा, बोले अच्छे कंटेंट के लिए मुझे बुलाते हैं। सालों बाद एक्स बॉयफ्रेंड्स पर छलका प्रियंका चोपड़ा का दर्द, बोली मैं एक डोरमेट बन जाती। प्रीति जिंटा ने पोस्ट किया बेटे जय का क्यूट वीडियो, कैप्शन में लिखा माय टाइप ऑफ हेवन। केला स्टोरी की सक्सेस से गदगद है अदा शर्मा, बोली पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। रिलीज से पहले आदि पुरुष ने ऑस्कर विनिंग आरआर को दी पटखनी, 24 घंटे में बना लिया रिकॉर्ड। जानवी कपूर ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, ट्रेनर के साथ किया दमदार पिलाट्री सेशन, फैंस ने फिटनेस की तारीफ की। गोल्डन टेंपल में बर्तन साफ करते दिखे विद्यु जामवाल, लोगों ने की सराहना, बोले अब मैन विद गोल्डन हार्ट। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।